हेलो दोस्तों, टाइटल देख के तो आप सबको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो ब्लडी मैरी के बारे में है। ज़्यादातर लोग इस नाम से अनजान हैं, तो उनके लिए बता दो कि ब्लडी मैरी इंग्लैंड की रानी थी 16वीं सदी में। ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी टूडोर। उनके विरोधियों ने उन्हें ब्लडी मैरी का नाम दिया था क्योंकि उनके शासनकाल में बहुत से विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए तब से उनका नाम ब्लडी मैरी हो गया। ब्लडी मैरी अब एक प्रथा बन चुकी है जो सदियों से चली आ रही है। आप इसे काला जादू भी कह सकते हैं। पहले के जमाने में कुंवारी लड़कियां ये प्रथा करती थी ताकि वो अपने भविष्य में होने वाले पति का चेहरा देख सके। ये प्रथा को बंद कमरे में अंधेरा करके किया जाता है, जहां लड़की आईने के सामने मोमबत्ती लेकर खड़ी होती है और बार बार ब्लडी मैरी का नाम दोहराती है। इस प्रथा में उन्हें अपने होने वाले पति का चेहरा दिखाई देता है, पर अगर उन्हें आईने में कंकाल दिखे तो उसका मतलब है कि वो लड़की की मौत बिना शादी किए होगी। आजकल ज्यादातर लोग, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, इस प्रथा को करते हैं, जहां ग्रुप बना के या अकेले में, जहां डिम लाइट करके मोमबत्ती लेके आईने के सामने ब्लडी मैरी का नाम दोहराते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ब्लडी मैरी किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे चुड़ैल बनके, आत्मा, कंकाल, कुछ भी। ब्लडी मैरी कभी खुश होती है तो कभी गुस्से में, वो तो कभी बुलाने वाले को शराब बद्दुआएं भी देती है। उनकी आत्माएं छीन लेती है। कुछ लोग ब्लडी मैरी को हेल मैरी और मैरी वर्थ भी कहते हैं। ब्लडी मैरी की इस प्रथा को ज्यादातर लोग मनगढ़ंत मानते हैं, पर ऐसी ही एक डरावनी कहानी जैपनीज लेजेंड भी सुनाते हैं, जहां एक लड़की की आत्मा स्कूल टॉयलेट में रहती है, जिसका नाम है हानोका सेन। इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपको इस रियल हॉरर स्टोरी के बारे में पता चले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लाते रहें। गुड नाइट।